सतना कलेक्टर सी अनुराग वर्मा ने जिले वासियों को दी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। सतना जिले के सभी निवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोग उसके लिए सावधानी रखें, मास्क का उपयोग करें और अनावश्यक घरों से बाहर ना जाएं। और जरूरत पड़ने पर निकलें तो सावधानी के साथ ही निकलें। एक बार फिर से सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समिति ने रैगांव विधायक कल्पना वर्मा को 8 सूत्री मांगों के लिए सौंपा पत्र। इस दौरान कल्पना वर्मा ने क्षेत्र के विकास के लिए सभी उचित मांगों को लेकर पूरा करने का आश्वासन दिया। मैहर नगर पालिका कर्मचारियों ने की काम बंद हड़ताल। कर्मचारियों के साथ हुई थी मारपीट, जिसको लेकर आज कर्मचारियों ने नगर पालिका में ताला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा त्रिपाठी के निर्देश अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामबाई त्रिपाठी द्वारा सहयोगी स्टाफ के साथ जिला चिकित्सालय आने वाले सभी लोगों को बिना मास्क के अस्पताल के अंदर ना जाने की सलाह देते हुए उनको रोककर कड़ाई से रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। स्टेट सभा कक्ष में सोमवार को आयोजित सीमा पात्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने हेल्थ केयर वर्कर तथा फ्रंटलाइन वर्करों के प्रिकॉशन डोज के टीकाकरण, सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों सहित विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर परीक्षित संजय राव झाड़े ने जिला वासियों को दी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कहा जिला पंचायत द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ जिले के पात्र हितग्राही लें। सतना जिले के सभी नागरिकों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला पंचायत की तरफ से जो मुख्यतः स्कीम चल रही है स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री आवास, उसके तहत जो भी हितग्राही है उनके जो लाभार्थी है इनको जो भी योजनाएं का लाभ चाहिए वो रूरल डिपार्टमेंट का जो हमला काम करते हैं उनके माध्यम से ही ले सकते हैं। का बयान, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल से 215 कैदी होंगे रिहा, जिसमें 210 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल। अच्छे आचरण के कारण किया जाएगा रिहा, गंभीर अपराध वाले नहीं होंगे रिहा। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहे पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।